हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियोमेट्री इज आल्सो नोन एज अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन दिस टेक्निक मेजर द पोटेंशियल ऑफ द एनालाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्री जो पोटेंशियोमेट्री होता है उसका प्रिंसिपल बेसिकली पोटेंशियोमेट्री के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एक होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है और दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कि राइट हैंड साइड में लगा हुआ होता है जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं द पार्ट ऑफ द सेल दैट आर दैट इज होल्ड कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट होता है इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं दूसरा वाला पार्ट जो होता है जो कि राइट right हैंड में होता है इसे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं सैंपल जो सोल्यूशन होता है उसको इसी साइड में प्लेस करते हैं राइट हैंड साइड में तो प्रिंसिपल में हम लोग देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ पोटेंशियोमेट्री इज वेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ अंपल सोल्यूशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कि सैंपल सोल्यूशन के अंडर प्लेस होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सैंपल सोलूशन में प्लेसेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, में होता है जिसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इट डिफरेंस हमेशा इसमें पोटेंशियोमीट्री बीच में लगा हुआ है ये। इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं इट सोज द पोटेंशियल डिफरेंस बाई द एडिशन ऑफ अ टाइटरेंट यहां से हम लोग टाइटरेंट को एड करते हैं टाइट्रेंट को ऐड करने के बाद हम लोग को जो पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियो डिफरेंस जो है वो शो so होता है सो so, हम लोग एडिशन ऑफ टाइट्रेंट इधर से परफॉर्म करते हैं विल ऐड द द एडिशन ऑफ टाइट्रेंट चेम्बर इन विच द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड आर बाई द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन भाई इसको जब ऊपर से हम लोग एडिशन ऑफ सिंपल ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज होता है और पोटेंशियल वेरी करता है इट विल बी चेंज नाउ तो बेसिकली हम लोग को याद क्या रखना है कि जो प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमेट्री का बेसिक इट विल बी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होते हैं सोल्यूशन के अंदर ये दो चेंबर हैं लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपस में ये साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है दे होल्ड द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एंड द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विच इन विच सोल्यूशन इट विल डिब्ड द चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बेसिकली इट कंटेन दिम्पल सोल्यूशन ओके सो वेन द कंसंट्रेशन विल बी चेंज देन इट विल बी ऑब्जर्व इन अ पोटेंशियो मीटर इट इज द पोटेंशियो मीटर सो पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वाट वी कैन डिटरमाइन

प्रोसेस को एक इलेक्ट्रोड पे प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं टू इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दो अलग अलग ऑफ द हाफ सेल प्रोवाइड नोन रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल एनालाइट कंसंट्रेशन लेफ्ट हाफ जो होता है वो रिफरेंस पोटेंशियल शो करता है एंड द अदर राइट हाफ कंटेन दंस एनालाइट कंसेंट्रेशन इन विच द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर डिप डिप्ड बहुत प्रॉपरली हम लोग अंडरस्टेंड कर सकते हैं पोटेंशियो मेट्रिक के प्रिंसिपल को मैकेनिज्म को थ्रू दिस डाइग्राम ये जो है ये लेफ्ट हैंड का सेल है ये राइट right हैंड वाला पोर्शन है लेफ्ट हैंड जो होता है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन है जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसमें देखिए आप जिंक की रॉड लगी हुई है जिंक का इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है इसमें डिप्ड होता है जो लेफ्ट हैंड है वो रिफरेंस इलेक्ट्रोड पोर्शन है लेफ्ट राइट हैंड वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड चेंबर बोल सकते हैं इसके अंदर जो होता है सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का और लेफ्ट हैंड साइड जो सोल्यूशन होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड का

पोटेशियम आयन जिंक से यूटिलाइज होता है तो अगर क्लोराइड आयन का रिक्वायरमेंट होता है तो ये पोरस फ्रिड से होता हुआ सोल्यूशन में आ जाता है इमीडिएटली मतलब क्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट जो सोल्यूशन में है जो कि जिंक क्लोराइड जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है जिंक को क्यों न्यूट्रलाइज करना है भाई जिंक आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा जब सोल्यूशन में तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो हाउ कैन जिंक विल बी कन्वर्टेड इंटू द जिंक टू प्लस आयन अगर जिंक टू प्लस आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करा जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड द क्लोरीन आयन सो इट विल बी कन्वर्टेड इंटू द जिंक क्लोराइड फॉर्म जिंक क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना लेता है टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए इट विल मूव फ्रॉम द सर्किट ऑन अ राइट हैंड साइड और इधर देखिए ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोड कैसा है सिल्वर का इलेक्ट्रोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनिक कंसन हाई हो जाता है इस कंडीशन में सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज होता है ये सिल्वर आयन जो है इमिडिएटली चारों तरफ आ जाता है ये जो आपका इलेक्ट्रोड है और सिल्वर आयन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है तो सिल्वर जो है इसके अगल बगल ऐसे डिपॉजिट भी होने लगता है सिल्वर का ऐसा लेयर भी बन जाता है सिल्वर में कन्वर्ट सिल्वर नाइट्रेट आयोनाइज होगा अब देखिए अब अगर सिल्वर नाइट्रेट आयोनाइज होगा सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो ये जो नाइट्रेट आयन है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से साल्ट साल्ट्रिज से पोटेशियम आता है इधर जो पोरस लगा हुआ था इससे पोटेशियम आता है और पोटेशियम नाइट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्योंकि अगर सोलूशन में नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो सिल्वर की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी तो नाइट्रेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से साल्ट ब्रिज से पोटेशियम विल कम थ्रू द दिस साल्ट ब्रिज अ राइट हैंड साइड सर्किट ओके तो ऐसा करके रिएक्शन चलता रहता है अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड देन द करेंट विल फ्लो फ्रॉम द राइट हैंड टू हमेशा कहां कहां से कहां जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट जो यहां पे आता है अपोजिट डायरेक्शन में इट विल बी डिटरमाइन थ्रू द पोटेंशियोमीटर उस करंट को हमारा पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन कर लेता है इसमें जो होता है इट विल बी ऑब्जर्व तो बहुत क्लियर है हमें यह जानना है कि ये दो सर्किट से पोटेंशियोमीटर बना हुआ हुआ है हुआ है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको एनोड बोलते हैं जो राइट हैंड साइड वाला है उसे कैथोड बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एनोड वाले पोर्शन को इसी को रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोर्शन बोला जाता है रिफरेंस सेल बोलने इस वाले पोर्शन को इसको इंडिकेटर सेल पोर्शन बोलने एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन का रिलीज लेफ्ट हैंड साइड से होता है देन इलेक्ट्रॉन विल बी मूव थ्रू द सर्किट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड इधर मूव करता है and current will be just flow from the opposite side and it will be observed in a potentiometry to abhi hum logo ko very very clear hai ki reference electrode kya hota hai left hand ka jo electrode hota hai usko anode bolte hain which undergoes the oxidation bhai oxidation mein kya hota hai oxidation mein hame pata hai ki oxidation mein electron ko release yahan pe hota hai जो portion electron release करता है, means happening it's going on a oxidation it जनरेटिंग ऑक्सीडेशन सेंसिंग इलेक्ट्रोड जिसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं राइट हैंड right का इलेक्ट्रोड होता है कैथोड क्यों बोला गया विच अंडरगोज द रिडक्शन रिडक्शन होता है उस पर तो यह हमें समझना है भाई वेन द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर्ड द contribution of the liquid junction potential must be included is a e cell is equal to e cathode minus e anode plus e junction potential thank you thanks to all